नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पंचायत और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा। चलिए शुरू करते हैं गांव और झाड़ियों की खबरें। अलवर जिले के किशनगढ़ बास पंचायत समिति के नगर पालिका के वार्ड 12 में लग रहे मोबाइल टावरों को हटाने की मांग को लेकर सुरेश जांगिड़ के नेतृत्व में लोगों ने एसडीएम उम्मीदीलाल को ज्ञापन देकर टावर हटवाने की मांग की। अलवर जिले के मंडावर पंचायत समिति में पूर्व सैनिक लीग की बैठक सैनिक विश्राम गृह में आयोजित की गई। इसमें पूर्व सैनिकों ने 26 जुलाई को दिल्ली में अन्ना हजारे के वन रैंक वन पेंशन को लेकर दिए जाने वाले धरने में शामिल होने का निर्णय किया। अलवर जिले के कठुमर पंचायत समिति में कोटपेशी से 11 साल से फरार स्टैंडिंग वारंटी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 2001 में अवैध शराब बेचते हुए गिरफ्तार किया था। 2004 से कोर्ट की पेशी पर ले जाते वक्त ये फरार हुआ था। अलवर के बांसूर कस्बे में पुलिस ने गौवंश से भरी पिकअप को जब्त किया और 20 गायों को गौशाला पहुंचाया गया। वहीं कार्रवाई के दौरान पिकअप चालक मौके से फरार हो गया। अलवर जिले के रामगढ़ क्षेत्र में शिक्षकों की कमी सरकारी स्कूलों में नामांकन को प्रभावित कर रही है, जिसकी वजह से शिक्षा विभाग के अधिकारियों को मशक्कत करनी पड़ रही है। रामगढ़ क्षेत्र में 250 स्कूलों में नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी भी प्रवेश लेने के लिए छात्र आ रहे हैं, लेकिन अभिभावक स्कूलों में शिक्षकों की कमी का सवाल उठा रहे हैं। वहीं रामगढ़ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुभाष मित्तल ने बताया कि रामगढ़ क्षेत्र में बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए शिक्षा के स्तर में कमी है, लेकिन अब बच्चों की तादाद सरकारी स्कूलों में भरने लगी है। अजमेर के विजयनगर कस्बे में केलू ग्राम में सरकारी स्कूल में टीचरों की कमी को लेकर ग्रामीणों व अभिभावकों ने ताला जड़ दिया। वहीं स्कूल में ताला जड़ने के बाद गांव के लोगों ने स्कूल में रिक्त पदों को भरने की मांग की और जब रिक्त पदों को नहीं भरा जाता तब तक आंदोलन करने की चेतावनी दी है। भीलवाड़ा के मांडल तहसील की धूलखेड़ा ग्राम में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रों ने विद्यालय को ताला लगाकर प्रधानाचार्य के तबादले को रोकने की मांग की है। सूचना पर मांडल ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा मांडल उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य को समझाइश के लिए भेजा, लेकिन ग्रामीण और छात्र तस्लीमस्त नहीं हुए। विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल कल भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा तहसील के कोठिया गांव के दौरे पर रहे। यहां मेघवाल स्थानीय सरपंच अंजना सेठी के निवास पर उनके ससुर के पिछले दिनों हुए निधन पर शोक जताने पहुंचे। कोटा के सुल्तानपुर कस्बे में राजस्व शिविर में कई पुराने मामले निपटाए गए और ये शिविर कोटसुआ गांव में आयोजित हुआ। वहीं इस शिविर में 150 मामलों का निपटारा किया गया, जिसमें बहुत पुराने रास्ते विवाद को भी सुलझाया गया। चूरू की रतनगढ़ पंचायत समिति के गांव गोगासर की राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को पढ़ाई में परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि स्कूल में 12वीं वाणिज्य वर्ग में एक भी व्याख्याता नहीं है। कॉमर्स के सभी वाणिज्य पद रिक्त पड़े हैं। वहीं व्याख्याता लगाने की मांग को लेकर विद्यार्थियों और गांव सरपंच ने एसडीएम के नाम पत्र लिखा है। धौलपुर की बाड़ी पंचायत समिति में वामनी नदी के ऐतिहासिक राम दरबार आश्रम पर करीब 6 महीने पहले हुई मंदिर में चोरी के मामले में पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया। लेकिन मंदिर से चोरी हुए सामान का आज तक पुलिस बरामद नहीं कर पाई है, जिसको लेकर पुलिस पर मंदिर के संतों और श्रद्धालुओं ने लापरवाही का आरोप लगाया। करौली की टोडा भीम पंचायत समिति के भीमपुर गांव के उच्च प्राथमिक स्कूल, जिसमें 230 बच्चे पढ़ रहे हैं, वो पेड़ के नीचे चल रहा है और स्कूल के भवन के काम चलने के कारण बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
हनुमानगढ़ की टिब्बी पंचायत समिति क्षेत्र के गांव नाईवाला में पिछले काफी समय से दूषित पेयजल आपूर्ति होने से पेयजल से बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जलदाय विभाग के अधिकारियों को बार बार सूचना देने के बाद भी लीकेज दुरुस्त नहीं किए जा रहे, जिसके चलते उन्हें दूषित पेयजल पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। करौली की मंडरायल पंचायत समिति के ईडरपुरा गांव में अवैध वनों की कटाई अंधाधुंध चल रही है, जिससे साफ होता है कि वन विभाग पर भी भूमाफियाओं का कब्जा। अवैध वनों की कटाई कई दिनों से चल रही है और वन क्षेत्र में बेखौफ माफिया रात के समय जेसीबी और ट्रैक्टर चलाते हैं। वहीं लोगों का आरोप है कि वन विभाग और माफिया मिले हुए हैं। करौली की नादोती पंचायत समिति के केमला कैमरी पंचायत में पानी की टंकी क्षतिग्रस्त पड़ी है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, जिसके बाद भी जलदाय विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा। करौली के हिंडौन कस्बे के मार्ग जर्जर हालत में है, मार्ग पर किसी भी तरह से डामरीकरण नहीं हो रहा है। रेलवे स्टेशन से सनेट सड़क मार्ग पर गौरवपथ योजना में स्वीकृत मार्ग भी नहीं बना है, जिससे ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। करौली के सपोटरा कस्बे में राजकीय महाविद्यालय में उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति और देवनारायण छात्रा स्कूटी के आवेदन ऑनलाइन भरे जा रहे हैं, लेकिन कस्बे में बिजली व्यवस्था और इंटरनेट की माकूल व्यवस्था के चलते कस्बे के छात्र छात्राओं को परेशान होना पड़ रहा है। भरतपुर के नदबई कस्बे में चोरियों का सिलसिला नहीं रुक रहा है। चोरों ने बुढ़वारी गांव के 3 मकानों को एक साथ निशाना बनाया है। चोर मकानों से नकदी और आभूषण लेकर पार हो गए। आए दिन होने वाली चोरियों से पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, जिसको लेकर लोगों में रोष है। भरतपुर की सेवर पंचायत समिति में जहरीले कीड़े के काटने से एक युवक की मौत हो गई और युवक खेत पर काम कर रहा था। कीड़े के काटने के बाद युवक को आरबीएम अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जिसके बाद युवक ने दम तोड़ दिया। भरतपुर की कुमेर पंचायत समिति में लोक अदालत शिविर में कई मामले निपटाए। शिविर में रारा और सोगर गांव के अटल सेवा केंद्र पर एसडीएम ने जनसुनवाई की, जिसमें जनसुनवाई के दौरान सभी अधिकारी और पंचायत जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। भरतपुर के नगर कस्बे में पुलिस ने सीकरी में बाइक चोरी के 3 आरोपियों को पकड़ा है और ये आरोपी कई बार पुलिस से बचकर भाग चुके थे, जिसके बाद पुलिस ने विशेष कार्रवाई के तहत इन बदमाशों को धर दबोचा। भरतपुर की डीग पंचायत समिति में करंट लगने से एक महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि मृतक मंजू खेत पर चारा लेने गई थी, तभी रास्ते में उसे करंट लग गया। वहीं दूसरी घटना इलाके के मसानी मोहल्ला की है, जहां खेलते समय बच्चे को करंट लग गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। भरतपुर की रूपवास पंचायत समिति में पट्टा टूटने से रोडवेज बस गड्ढे में जा गिरी, जिसके बाद हादसे में 15 यात्री घायल हो गए और खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों ने बस के शीशे तोड़कर सवारियों को बाहर निकाला। भरतपुर की पहाड़ी पंचायत समिति में अवरुद्ध नाले लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं, जिसको लेकर स्थानीय निकाय ध्यान नहीं दे रहा। बरसात और कस्बे के गंदे पानी से नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं। धौलपुर की बसेड़ी पंचायत समिति में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने से सड़कों पर जलभराव रहता है, जिससे राहगीर और वाहन चालक परेशान हो रहे हैं, जिससे मौसमी बीमारियों के फैलने का अंदेशा बना हुआ है। चूरू की सादुलपुर पंचायत समिति में किसान मिनी सचिवालय पर अपनी 16 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे और ज्ञापन देंगे। अलवर के राजगढ़ कस्बे के राजपुर छोटा गांव में पेयजल की व्यवस्था नहीं होने के कारण ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए भी भटकना पड़ रहा है। वहीं गांव के लोगों ने बताया कि पूरे गांव में पेयजल के लिए एक भी हैंडपंप और सिंगल फेस बोरिंग नहीं है, जिससे परेशान लोगों को पानी के लिए भटकना पड़ता है।
अलवर की रैडी पंचायत समिति के माचाड़ी गांव के वार्ड नंबर 2 में शीतला माता के मंदिर के पास सौर ऊर्जा लाइट लगवाए जाने की ग्रामीणों ने सरपंच से मांग की है। खंड समन्वयक नागपाल शर्मा सहित कई ग्रामीणों ने बताया कि शीतला माता मंदिर के आसपास बिजली की व्यवस्था नहीं होने के कारण अंधेरा छाया रहता है। दौसा के महवा पंचायत समिति के ग्राम करणवास में विद्युत निगम के अधिकारियों की लापरवाही से विद्युत तार खेतों में झूल रहे हैं और खेतों में झूलते विद्युत तारों से ग्रामीणों की जान को हमेशा खतरा बना रहता है। ग्राम पंचायत सरपंच अंगूरी देवी द्वारा कई बार झूलते विद्युत तारों को कसवाने के लिए निगम के अधिकारियों ने मांग की है, लेकिन अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। भरतपुर की सीकरी पंचायत समिति में स्कूल पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया और ग्रामीणों ने स्कूल के गेट पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया। गांव के लोगों की मांग है कि जब तक स्कूल में टीचरों की कमी को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। झुंझुनू की पिलानी पंचायत समिति में एडीजे कोर्ट और तहसील की मांग को लेकर वकीलों ने कार्य का बहिष्कार किया। आपको बता दें कि पिलानी बार एसोसिएशन काफी समय से मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है। झुंझुनू की चिड़ावा पंचायत समिति में साधारण सभा की बैठक 29 जुलाई को आयोजित होगी, जिसमें बैठक की अध्यक्षता प्रधान कैलाश मेघवाल करेंगे। वहीं बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ।